नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ एमडी अनीश। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली कई विधानसभा संगम विहार के तुगलकाबाद एक्सटेंशन के क्षेत्र में, जहां पर विधायक दिनेश मोहनिया जी वाटर बूस्टर का ओपनिंग करने के लिए आए थे, उद्घाटन करने के लिए आए थे, जिससे जितनी भी तुगलकाबाद एक्सटेंशन की जनता है उनको राहत मिल सके। हम बात करते हैं दिनेश मोहनिया जी से। नमस्कार। नमस्कार मोहनिया, जो अपने वाटर बूस्टर की ओपनिंग की है, उद्घाटन किया है, जो जनता को राहत दी है, ये किस गली नंबर से कितना विधानसभा? देखिए, ये 6 या 7 गलियाँ हैं जो कि हमारा जो वाटर ऑगमेंटेशन उसको बढ़ाएगा। अभी हम ये देखेंगे कि इसकी कैपेसिटी के हिसाब से इसमें जितनी गलियां ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकेंगी उन सबको हम रिलीफ करेंगे। उन जितने भी तुगलकाबाद एक्सटेंशन की गलियां हैं, जो पीछे की साइड हैं, जो किले के टच में हैं, वहां से आरोप लगते आए हैं कि जो उस साइड पानी नहीं पहुंच रहा है, एक दिन में जितने भी लोग हैं पानी भर लेते हैं, 1 या 2 घर के अंदर पानी चला जाता है, मगर बाकी घरों को नहीं मिल पाता है, और कम से कम 10 दिन बीत जाता है वहाँ पानी पहुँचने में। देखिए, ये जैसे ही बूस्टर अभी तैयार हुआ है, ये घरों को ऑग्यूमेंट करेगा। अब जैसे जैसे गलियों में हम डिवाइडेशन का काम भी करेंगे, और 13 नंबर का एक और बूस्टर हमने कुछ दिन पहले भी इनॉग्रेट किया है, उससे भी थोड़ा सा रिलीफ आएगा। और मेरा ये मानना है कि लगातार हम जिस तरीके से पानी के ऊपर काम कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल में और पिछले टर्म में जितना भी हमने काम किया है, उसका असर दिख रहा है। ज़्यादातर गलियों में सब जगह पानी उपलब्ध है। मैं जनता के कुछ सवाल कर लेता हूँ। जनता का कहना है, जब इलेक्शन आते हैं, चुनाव आते हैं, विधायक जी उसी टाइम पर सारे ओपनिंग करने लगते हैं, रोडों के उद्घाटन करने लगते हैं, क्या ये सही है? देखिए, आज कौन सा चुनाव है, अभी ज़्यादा समय नहीं बचा ना, 3-4 महीने बचे। अगर आप कोविड के 1.5 साल में अगर आप चाहते हैं कि कुछ काम किया जा सके, तो कैसे काम हो सकता है? मेरा ये मानना है कि पिछले 1.5 साल के कोविड के टर्म में तो कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि वो समस्या केवल मेरी नहीं थी, पूरे वर्ल्ड ओवर की समस्या थी। ठीक है, आज जैसे ही कोविड से थोड़ा सा रिलीफ हुआ है, आज हम इसका उद्घाटन कर रहे हैं। अब आप ये कहेंगे जी, अब कौन से चुनाव है? नहीं नहीं, चुनाव की बात नहीं आ रही, 5 महीने बाद चुनाव है, मगर हम सिर्फ ये हम आते हैं। लेकिन ये अच्छा है कि आज सब लोग, इतनी गर्मी होने के बावजूद, इतनी भीड़ उमस होने के बावजूद सब लोग रुके हुए हैं। अच्छा, और आज ये एक, मेरे को लगता है कि ऐतिहासिक दिन है कि आज उत्तराखंड यहाँ पर एक नए बूस्टर का उद्घाटन कर रहे हैं, जिससे कि जो अभी पानी की समस्या है वो और कम होगी। और क्योंकि अभी जिस तरीके से पिछले दिनों में बीच में 15 अगस्त को आया था और ये बोला था कि यूडीआर को शुरू करेंगे, तो लोगों को ये था कि बहुत उम्मीद थी कि आज 29 तारीख को उद्घाटन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन आज हम उसका उद्घाटन भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये देख के अच्छा भी लग रहा है कि इतना प्यार और इतना सम्मान मिल रहा है। अभी माता जी आई थी, सामने बैठी हुई है, तो मेरे कान में ये बोली कि वो दिन याद है कि जब पहली बार तुम चुनाव लड़े थे तो हमने प्रचार किया। मुझे लगता है कि एक एक वोट जो आप लोगों ने मुझे दिया, आम आदमी पार्टी को दिया, वो एक एक वोट की कीमत आज वसूल हो रही है। और मेरा ये मानना है कि इस तरीके के आयोजन केवल बड़े स्तर पर नहीं, छोटे स्तर पर भी होने चाहिए। जितनी RWAs हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि वो भी अपने अपने जगह पर प्रोग्राम रखें, और जो लोकल स्तर की समस्याएं वहाँ मुझे बुलाएं, हम बैठ के बात करेंगे और आगे जो भी समस्या आ रही है उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारा ये मानना है कि केवल विधायक ये नहीं है कि आपने एक बार वोट दे दिया और 5 साल बाद फिर वो विधायक आएगा कि जी मेरे से बात करो। मेरा ये मानना है कि जो ये कम्युनिकेशन है, जो संवाद है, वो लगातार बने रहना चाहिए, और जब जैसे जैसे संवाद बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मुझे लगता है समस्याएं कम होती जाएंगी और जो जीवन स्तर है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। आम आदमी पार्टी का शुरू से ये मानना है कि जाति धर्म क्षेत्र की राजनीति से ऊपर उठकर काम की राजनीति इस देश में होनी चाहिए, उस प्रदेश में होनी चाहिए, और जो कि अब बहुत अच्छा लग रहा है कि अब काम की राजनीति की बात हो रही है, काम की बात हो रही है। तो आम आदमी पार्टी और मैं ऐसे विधायक लगातार काम कर रहे हैं। बस ये है कि लगातार आप लोगों से मिलता भी रहूँ ये चाहता हूँ, लेकिन पिछले 1.5 साल में जो कोरोना की स्थिति रही है और हम लोग आपस में मुलाकात नहीं कर पाए, लेकिन वो समस्या ऐसी थी कि केवल तुगलकाबाद एक्सटेंशन की समस्या नहीं है, पूरी दिल्ली की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है कि हम आपस में नहीं मिल पाए, बात नहीं कर पाए, वो परिस्थितियाँ अलग थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से अब थोड़े से बीमारी का प्रकोप कम हो रहा है, तो हम लगातार मिलते रहेंगे, लगातार बातचीत करते रहेंगे, और जो भी समस्याएं हैं लोकल स्तर पर उनको लगातार हल करते रहेंगे। मेरा ये मानना है कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहेगी। आज ये बूस्टर उद्घाटन हो गया है,
रिलीफ आएगा 100%, लेकिन इसके बाद ये नहीं कि खत्म हो गया, इसके बाद और कुछ करेंगे। पहले हमने 13 नंबर का बूस्टर बनाया, वहां से कुछ रिलीफ मिलना शुरू हुआ, फिर 36 में थोड़ा सा और अरेंजमेंट किया, वहां से और हुआ, अब ये बना रहे हैं। लेकिन ये काम अभी खत्म नहीं हुआ, ये बन गया और जाके कोशिश करेंगे कि एक दो बूस्टर यहाँ पर और बनाए, जिससे कि और समस्या हो। और मेरा ये मानना है कि जीवन में कभी समस्याएं खत्म नहीं होंगी, डिमांड खत्म नहीं होंगी। अभी जिसको जितना पानी मिल और ज्यादा चाहिए तो उसकी कोशिश करेंगे लगातार। और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से प्यार और आशीर्वाद आप लोगों का मिला है वो लगातार मेरे ऊपर बना रहेगा, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद। इसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब शुरू करते हैं आप लोगों को सारी की सारी राहत इनसे मिलती रहती है। हाँ हाँ, जब भी कोई भी काम होता है पानी को लेकर के, लाइट को लेकर के, अगर कोई रोड की दिक्कत है, जब हमारा सीवर लाइन डाली नहीं इन्होंने, हमारे एक पाइप लाइन डाली इन्होंने हमारी गली में, अच्छा, इसका पानी कम आता है। तो क्या आप लोगों को पार्किंग की तो दिक्कत है ही है जी। पार्किंग भी थोड़ा साइड में हटके बननी चाहिए, पार्क खाली इसमें बन जाए पार्किंग जी। इतना चौड़ा पार्क के अंदर गाड़ियां खड़ी नहीं कर सकते, गाड़ियां यहां खड़ी हो जाती, सारा रोड जाम हो जाता, डेली रेडी लग जाती और जाम हो जाता है। हाँ, तो वही चीज़ शाम के टाइम ये रोड पूरा जाम हो जाता है। पार्क में बन जाए पार्किंग बढ़िया है, ये खाली पड़ी तो पार्किंग बनना भी एक समस्या पर समस्या तो है। पार्किंग भी पार्किंग की समस्या है। विधायक जी यहाँ का जो भी कार्य लोकल होता है वो सारा काम समय अनुसार जनता का कर देते हैं? सारा काम तो करना चाहिए क्योंकि जनता चुन के लाती है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद साहिद जी। बताएं, जनता चुन कर आती है तो काम तो इनके करना चाहिए जी। ऑफिस बना लेते हैं, जाते हैं, सब लेते हैं, लेकिन बात लिख लेते हैं, बस काम हो नहीं पाता। बच्चों के स्कूल की बात आती है, सफाई की बात आती है, वो सब चीज़ें हैं, समय अनुसार चल रही हैं? नहीं, चल तो रही है, काम भी हो रहा है जी। लेकिन ये जो रोड पे जो रेडियो लग जाती है ना, किसी कोई बीमार हो जाए, अगर उसे 5 मिनट पहुंचना है अस्पताल में तो वो आधे घंटे में निकल पाएगा इस रोड से, इतनी भीड़ भड़क है। यहाँ पर उतना जाम वगैरह रहता है, बहुत ज़्यादा है, गाड़ियाँ खड़ी हो जाती, फिर रेडियो लग जाती है, उससे पूरा जाम हो जाता है यहाँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।